चलो हम लोग आ चुके हैं फिर हमारा चैनल तरफ से है ना। आई एम लालबाग थापा, वेलकम बैक टू हमारा चैनल में। फिर दूसरा वीडियो क्लिप में आप लोग को स्वागत है, ठीक है ना। मैं आज ऐसा चीज आप लोग को, बेसिक चीज आप लोग को मैं बताऊंगा इस वीडियो के जरिए, है ना। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में आप काम करते समय, है ना, इस तीन चीज को आपको फॉलो करना है। आप चाहे मैनेजर हो, चाहे लेबर हो, चाहे सोना पे छोटा वो हो, है ना, कोई भी हो, या कोई मालिक हो, या कोई भी चीज हो, ये तीन चीज आपको फॉलो करना है। कौन है? यू एंड आई। माने कौन फॉलो करेगा? यू एंड आई, है ना, आप और मैं, है ना। कौन चीज है आपको दिखाता हूं। You and I, आप टीच करिएगा, आप रेस्पेक्ट दीजिएगा, है ना, सबको, एंड मैं भी। ये क्या तीन चीज आप लोग को इस रूल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या चीज है हम लोग जो बाहर में जो सीखते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, वो चीज आपको मैं इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराता हूँ या शेयर करता हूँ, ताकि आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, है ना। चलिए टॉपिक तरफ हम लोग सीधा चलते हैं, पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये सब कम आउट ऑफ कंट्री का रूल्स है। कुछ कंपनी में, कुछ जगह में काम करने से पहले आपको रूल्स होना बहुत जरूरी है ना। बाहर का रूल्स देखिए कैसे, बाहर का रूल्स कैसे मैं इस वीडियो के जरिए बताता हूँ। देखिए एक बहुत सुंदर रूल्स है, है ना, सुंदर रूल्स है। आपको क्या है, कंप्लाई मीन्स होता है आपको अनुशासित रहना। कोई भी इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, या आप फूड हैंडलर हो, या किचन हैंडलर हो, किचन में काम कर रहे हैं, है ना। देखिए कोई भी फील्ड में आप जब काम कर रहे हैं, काम करने से दूसरा आदमी आपको टोक देता है, तो आप क्या, उससे आपको माउथ से क्या निकलता है, गाली निकलता है। नहीं, आपका सीनियर है, वो भी बहुत सा एक्सपीरियंस, यू आर द बहुत फाइट करके, बहुत स्ट्रगल करके, है ना, इधर उधर भाग दौड़ करके सीख के आपको सिखा रहा है, आपको वो चीज नॉलेज, राइट प्रोसीजर आपको सिखा रहा है। वो क्या है, आपको फॉलो करना है। मैनेजमेंट सिस्टम ने, कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम या इंडस्ट्री सिस्टम में आप क्या, उसमें क्या आपको वो रहता है कि करना है, फॉलो करना है, रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है। अभी मैं इंडिया से आया, बाहर में मेरा भी तो कुछ रूल्स है, सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, या बिजनेस कंट्री का, मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का रूल्स है, है ना। इस तरह से आपको क्या है, आपको फॉलो करना है, कॉम्प्लाई ऑन शासन। मेरा फोन आ गया। एक मिनट, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में मैं करता हूँ फोन, ठीक है। कुछ रूल्स है ना, कुछ रूल्स आपका, आपके लिए, हमारे लिए, आसपास का आदमी के लिए, या जिस फील्ड में काम करते हो उस इंडस्ट्री के रूल्स, लेबर लोग के लिए, या तो स्टाफ के लिए, क्या है रूल्स है। इसमें क्या है, लॉ है। कॉम्प्लाई में क्या है, लॉ है, अनुशासन में रहना है, कानून में रहना है, है ना। इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड। इसमें भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आप जैसे किचन में काम करते हैं, साफ सफाई, आपका यूनिफॉर्म या नीटल चीज, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है, ए टू जेड प्रोसीजर है। उसमें क्या, आपको प्रोसीजर में रहना है, ये प्रोसीजर प्रोसीड्यूर्स है। देखिए दूसरा क्या है, पॉइंट है, प्रोसीड्यूर्स। ये तीन चीज आपको फॉलो करना है, ये कंप्लाई में आपको सब चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चाहता है आपको एंटरपिन।
बाहर में आउट ऑफ कंट्री में आने से पहले आपको ये सब चीज़ आपको काम करने से पहले आप जैसे मान के चले हम लोग इंडिया से इधर आया था, इंडिया से आया था, हम लोग को जीरो मालूम था, क्या जीरो नॉलेज था, जीरो इसके बारे में हम लोग कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ उतना नहीं था, कुछ उच नहीं था, है ना। फर्स्ट उसको और हम लोग इंडिया से जब आया इधर, इधर से आने के बाद हम लोग क्या है, ये लोग हम लोग को ट्रेनिंग देता है, इंडक्शन देता है, इंडक्शन एंड इंट्रूशन, इंडक्शन से पूरा आपको डिटेल बताता है ये करना है, ऐसा है, ऐसा रूल्स है, ऐसा नहीं है, ये करना मना है, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, ए टू जेड जो रूल्स है फॉलो करता है जो कंपनी, वो चीज़ आपको बेसिक्स चीज़ आपको बताता है ना, बताता है, ये सब चीज़ आपको करना, लर्न करना या सीखना बहुत जरूरी है। एंटर बीन्स मीन्स होता है आपका पॉफ्टेन करना, रोकना, रोकना, स्टॉप करना, स्टॉप करना, है ना, स्टॉप करना, एंटर बीन्स होता है आपको स्टॉप करना। आपको देखिए आप जैसे कुछ अनसेफ चीज काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आसमें आपको सही काम नहीं कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके दूसरा आदमी क्या है, स्टॉप, जैसे सब्जी काट रहे हैं, मैं किचन की बात कर रहा हूँ, अधिकतर मैं इस वीडियो के जरिए या किचन वालों के या फूड हैंडलर को लिया, मैंने इस वीडियो को टॉपिक उस टॉपिक में लेके जाता हूँ, कहीं से भी मैं टॉपिक पिकअप करता हूँ, पिकअप करके आपको प्रोड्यूस करता हूँ किचन साइड में, है ना। किचन में देखिए अभी अनसेफ वॉक, इंटरवेंस मीन्स आपको रोकना, स्टॉप करना, अनसेफ वॉक, अनसेफ मीन्स आप वेजिटेबल सेक्शन में जाकर आप चिकन मटन काट रहे हैं, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, हैज ऑफ HACCP फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसमें रूल्स रेगुलेशन है, आपको मानना जरूरी है, उसका सब सेपरेट सेपरेट है, बुचरी का सेक्शन अलग है ना, आपको सलाद काट रहे अलग है, सब्जी काट रहे अलग है, खाना बना रहे अलग है, बेकरी अलग है ना, जो चीज़ है, जो भी एनवायरनमेंट है किचन का, जो फूड इंडस्ट्री में है, उसका सब अलग अलग है भाई, अलग अलग भाई मैटर है, इसमें क्या आपको रोक सकते हैं, आप डाइनिंग में जाकर सलाद काट सकते हैं, चिकन मटन काट सकते, नहीं भाई नहीं काट सकते, उसका भी स्टेशन है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट स्टेशन है, उसमें जाकर आपको फॉलो करना है, काम करना है, उसका रूल्स रेगुलेशंस कैसा है ना, इसके बारे में ऐसे कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन होना नहीं चाहिए, कॉम्प्लेन होना नहीं चाहिए, कॉम्प्लेन के लिए भी आपको आपको कोई कंप्लेन करता है, कोई भी कंप्लेन करता है ना, तो आपको उस फॉलो को मानना है, कौन कंप्लेन करता है, आप जैसे आप हम काम कर रहे हैं, मेरे से आकर बड़ा आदमी ने आकर बोला ऐसा ये काम सेफ्टी नहीं, ये क्या, दिस इज द इंटरबीन, दिस इज क्या इंटरबीन, आपको स्टॉप कर रहा है, आपको क्या स्टॉप कर रहा है, इंटरबीन कर रहा है, ये क्या स्टॉप है, अनसेफ वर्क कर रहा है, इसलिए स्टॉप कर रहा है, दिस ये कंप्लेन, उसी टाइम क्या एक्शन लेना है, दूसरा प्रोसीजर आपको बताना है, एक्शन मीन्स आपको दूसरा प्रोसीजर, आपको स्टेप, दूसरा मेथड है ना, प्रोसेस बताना है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एक्शन, एक्शन है, इंटरवीन करके आपको दूसरा राइट प्रोसेस में लेके जाना है। थर्ड में आता है आपको रेस्पेक्ट, 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 रेस्पेक्ट मीन्स आपको सम्मान देना है ना, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे छोटा हो, आउट ऑफ कंट्री में क्या है, देखिए आउट ऑफ कंट्री में क्या है, एवरी बॉडी इज सेम, इंडिया में जैसे वो पुलिस वाला है, ए है वो है, अभी हकीकत मैं बताता हूँ इधर के बाद, अभी देखिए मैं बाहर में जा रहा हूँ, कोई हम लोग साथ आर्मी मिलता है आर्मी या पुलिस वाला, कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर रैंक वाला, आप लोग तो पहचान नहीं पाएंगे, इधर क्या है हम लोग बाहर में आए, गल्फ कंट्री पे देखिए हम लोग बाहर में आए, तो बाहर में आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुलिस आर्मी वाला दूसरा को हम नहीं नहीं पहचान पाएंगे, बट कोई भी आर्मी वाला या तो पुलिस वाला है ना आते हैं ना, वो तो हम लोग से तो बड़ा है, रेस्पेक्ट बड़ा है, सब चीज़ बड़ा है, वो लोग का गवर्नमेंट है, वो लोग का सच भी क्या है, वो लोग आकर हम लोग को नमस्कार करते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करते हैं, वेट 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 वेट, वो क्या आपको रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है, देखिए रेस्पेक्ट खाली इंसान से इंसान ही नहीं, आपको
रेस्पेक्ट्स मीन्स होता आपको अगल बगल का, आपको नियर बाई घर का, है ना, नियर बाई घर का, नियर बाई आपको रेस्पेक्ट आपका फैमिली का, है ना, उसके बाद आपका फ्रेंड्स का, आपको जिधर काम करते हैं उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में आपको रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट खाली इंसान से नहीं है, आप जिस जगह में काम करते हैं, किसी भी काम में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आपको क्या है, जिस औजार से आप टूल्स से काम करते हैं उसको भी आपको रेस्पेक्ट करना है ताकि लॉन्ग टाइम रहे, है ना। जैसे हम लोग अभी बाइक खरीदें या गाड़ी खरीदें, है ना, फोर व्हीलर खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे, कितना प्यार से रखते हैं, कितना प्यार से रखते हैं। हम लोग ये फोन का कैसे ऐसे फेंक देते हैं, नहीं, कितना प्यार से, कोई भी धूला लगता है तो कितना ऐसा करते हैं, ये क्या, दिस इज रेस्पेक्ट। अब मोबाइल को भी रेस्पेक्ट कर रहे, घड़ी को भी कुछ होता था तो धूला लगता है तो आप कैसे कहते साफ करते हैं, दिस इज रेस्पेक्ट। आपको दूसरा का चीज़ बोल के ऐसा नहीं करना है, ऐसा करके फेंक देना नहीं है, दूसरा चीज़ बोल रहा है ऐसा नहीं करना है, दूसरा चीज़ बोल के वो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, दिस इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट ईच अदर, रेस्पेक्ट नाइबरिंग योर फ्रेंड्स या द स्टाफ्स या द कॉलिंग्स, है ना। इंडिया में देखिए ड्राइवर लोग, और ड्राइवर लोग खलासी को उतना रेस्पेक्ट नहीं देता, नेपाल में देखिए मैं देखता हूँ रेस्पेक्ट नहीं देता है ना। इधर क्या है, आपको रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट इच अदर, चाहे आम जनता हो चाहे वादा कुछ भी कर रहे हैं, ओके, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी। तो यही था मेरा थोड़ा ब्रीफ क्लिप आप लोग के लिए, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिनट मुलाकात करता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो क्लिप में।